बैंड्रा हिल रोड में सेंट पेरिस चर्च में मनाई गई बच्चों के लिए एक अनोखी क्रिसमस पार्टी। यह पार्टी को अनोखा इसलिए कहा गया क्योंकि यह पार्टी आयोजित की थी अनाथ बच्चों के लिए। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत ही रोमांचक और मनमोहक था। बच्चों के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई थी। बच्चों ने इस फंक्शन में बहुत मजे किए, साथ ही साथ इस फंक्शन का पूरा लाभ उठाया। बच्चों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे डिप्यूटी मेयर अलका केलकर, शब्बीर शेख, फियोना डिसूजा, जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आपके कार्य में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। बहुत रेयरली पता चल रहा है कि आप ऐसे मौकों में भी आती हैं। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फायदा चाहती है कि नया वर्ष इन बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मुंबई के लिए क्या हो रहा है? देखिए, मुंबई के लिए तो हम चाहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी बने, लेकिन स्मार्ट सिटी में सभी का भला हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हो। वी शुड हैव अ गुड लाइफ फॉर एवरीबॉडी, दैट इज़ आवर मोटो। क्लेंजिंग कैंपेन, क्लेंजिनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड विच आई थिंक एवरीबॉडी कैन फॉलो। ऐसे कुछ नहीं है कि इसमें कोई भेदभाव हो सकता है। और बच्चों के लिए तो अपना देश उनका भविष्य है और वो हमारे देश के भविष्य है। बिल्कुल सही। बट सिंस यू हैव मेंशन स्मार्ट सिटी, बहुत से लोग हैं ऑपोजिशन में जो नहीं चाहते कि स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र बने। देखिए, हर अच्छी बात के लिए ऑपोजिशन तो आता है, उनका भी हक है। उनके अगर कोई मुद्दे है तो वो भी हम लोग सम्मिलित करेंगे एंड वी विल हैव अ बेटर सिटी फॉर ऑल ऑफ अस। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस वेयर एंड आई नो दिस इज नॉट द place to ask you this, but it's like I'm taking a little privilege to ask you कि यहाँ पे हमारे BMC की तरफ से, सही तरफ से बहुत सारी परेशानियाँ हॉकिंग जोन के लिए भी आती हैं, बहुत सारे इसलिए मसलाएँ हैं जिसे RTI भी डालते हैं, लेकिन उसका सही जवाब, सही चीज़ें नहीं मुतवल होती, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हॉकर्स के विरोध में कोई नहीं है, बट जिस तरह से हॉकर्स पॉलिसी हुई है, हर फुटपाथ पे लोग स्टॉल डाल के बैठे हैं। चलना भी लोगों का हक है। फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड इफ दे आर टोटली ऑक्यूपाइड इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। उससे अच्छा ये होगा कि कहीं पर मार्केट्स, उनको ज़्यादा FSI दे के वो बढ़ा दिए जाए। सो ऑल हॉकर्स, बिकॉज वी नीड हॉकर्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट हॉकर्स, सो इट इज़ बेटर दैट वी हैव बिगर मार्केट्स, लार्जर मार्केट्स वेयर दे कैन बी अकोमोडेटेड। थैंक यू मैम। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? To make my country beautiful and my city beautiful. Happy New Year, ma'am. Thank you. हमारी सड़कों के, हमारे वाहनों के आप क्या जवाब देंगे? सड़कों का मामला ऐसा है कि BMC में जैसे भी अलकाताई गिलकर है, पहले के बनिस्बत इस बार में बहुत सारे खड्डे जो है, खड्डे के मसले, और आप जैसी मीडिया की तरफ से और रेडियो चैनल की तरफ से जितने बार 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 इन लोगों को कोसते हुए, उन लोगों ने खड्डों का तो कम से कम मामला सही कर दिया है। अभी रहा सवाल रोड सेफ्टी का, रोड सेफ्टी के प्रोग्राम के अंदर में मेरा तो बोलना ये है कि ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर जो पुलिस इतना सख्त हुई है, ये और आने वाले टाइम में इसका फ़र्क पड़ेगा। क्या आपको ये लगता है कि जैसे दिल्ली में चेंजेस आए हैं व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण की वजह से, क्या मुंबई को ज़रूरत है लुकिंग एट द ट्रैफिक? मुंबई को ज़रूरत है, लेकिन मुंबई में जो अधिक्रमण ज़्यादा है, वो अगर रोड साइड से अधिक्रमण हटाने का जितना जल्दी BMC और कोर्ट के फैसले जो पेंडिंग है, अगर वो हट जाते तो हमारे पास में दिल्ली के बनिस्बत बड़े बड़े रोड है, तो ये परेशानी हमारे को कम, ये हमारे लिए कम है, ये हमारी घोषणा सी भी है। आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? ड्रिंक फ्री बॉम्बे और एक्सीडेंट फ्री बॉम्बे। थैंक यू सो मच। बच्चों ने अपना उत्साह बढ़ाते हुए डांस प्रोग्राम किए, साथ ही साथ अपने डांस प्रोग्राम के लोगों को खास तरह का एक संदेश भी दिया। बताओ, आप क्रिसमस के लिए क्या एंजॉय कर रहे हो, क्या प्लानिंग की है आपने क्रिसमस को लेकर? मैं घर पे जाके ये बनाया क्रिसमस ट्री बनाया। वाव। और आज जो ये क्रिसमस पार्टी आयोजित की है, तो फिर तुम्हें कैसा लग रहा है इस क्रिसमस पार्टी में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एंजॉय किया है अभी तक क्या आपने यहाँ पर? खाया पिया, पेट भर गया। क्या खाया पिया? पेट भर गया। खाया पिया पेट भर गया। वाव, दैट्स ग्रेट। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स दैट एनीवन कैन डू फॉर चिल्ड्रन। बीइंग अ मदर एंड अ ग्रैंडमदर, आई नो हाउ ईजी इट इज़ टू ब्रिंग जॉय टू चिल्ड्रन। सो वेदर इट्स आवर ओन प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन एंड दोज लेस प्रिविलेज्ड, द व्हाट द YSS इज डूइंग इज सो अमेजिंग बिकॉज दे केटर टू ऑल सेक्शंस एंड ऑल किड्स हैव अ चांस ऑफ
having a nice time. Christmas being a very special season, particularly here in St. Peter's Colony. And the most of the children don't have the option of going to clubs and other more fancy or expensive functions. So what the YSS is doing, bringing Christmas, bringing the festivities of Christmas to the children, to the underprivileged, or rather less privileged children, is something so amazing. And I think it's something that we all need to support. In this organization for the past 45 years, I'm in it for the past 40 years. This is part of our major activities where we bring this year 550 children. We started the organization in 1970, 1st of March. And we have various activities, starting with the summer club for underprivileged children, free textbooks for poor and underprivileged. This Christmas tree, tournaments in football, volleyball, hockey, throwball. We have some Mount Mary sisters here to give us a few lines on Christmas Eve. Hello, I wish all of you a very happy Christmas and also a happy New Year. I would like you to join us in celebrating Christmas. When Jesus was born, the angels sang in the heavens, "Glory to God and peace to people of goodwill." Let us be people and enjoy the goodwill and the peace that Jesus brings. And I wish you a happy time of rejoicing and sharing.